अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बूट सॉक्स और उसके लिए फंदे डालेंगे कुछ इस तरह से। दो उंगलियों की मदद से फंदे डालते हुए हमें 22 फंदे बना लेने हैं। चलिए अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। उल्टा बुनते हुए हम इसको बुनेंगे इस तरह से। बहुत ही इजी है इसकी बुनाई। सारी सिलाइयाँ उल्टा बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट रो हमने बना लिया है। सेकंड रो को बुनने से पहले हमें फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतार लेना है इस तरह से। तो दूसरे रो को भी हम उल्टा बुनते हुए पूरा कर लेंगे। जी देखिए, इसी तरह से फ्रेंड्स हमें 40 जो 40 जो है सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, और ये वाले जो लाइनें बन रही हैं ये 20 बनेंगी, बना लेनी है। ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये 40 सिलाइयाँ मैंने डाल ली हैं और ये वाली जो लाइनें हैं ये 20 बन रही हैं। ये देखें, यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो ये 20 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 हैं। अभी हम इसमें कलर चेंज करेंगे। अगर आपको ये चीज़ जो है ऐसे नहीं करना, तो फिर आप ऐसा करें जितनी इसकी चौड़ाई है यहाँ से उतनी इसकी लंबाई बना लें। हमें ये स्क्वेयर शेप में चाहिए, इस तरह से चौरस। अभी हम इसमें कलर चेंज करेंगे। ये जो फ्रेंड्स धागे हैं ये हमें काट देने हैं। ये जो पहले वाला ऑरेंज कलर था ये भी, और यहाँ से बस इतना सा रख के हमें काट देना है इसको। अभी हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। जितना ये हमने बुना है इतना ही हम क्रीम कलर बुनेंगे, और ये धागों को इस तरह से बांध देना है यहाँ पर। अभी हमें क्रीम कलर की भी 40 लाइनें डालनी हैं और ये लाइनें जो हैं वो 20 बन जाएंगी। ये देखिए मैंने क्रीम कलर भी बुन लिया है। अब देखें ये दोनों एक समान हैं। जितना ऑरेंज कलर है उतना ही हमने क्रीम बनाया है। इसी तरह से फ्रंट स्क्वायर ये शेप हम देते हुए इसको बुनते जाएंगे। ऑरेंज क्रीम, फिर ऑरेंज, फिर क्रीम। इस तरह से हमें इसके 5 स्क्वायर पीस बना लेने हैं। 1 2 3 4 5। अभी हम इसको जो है बंद करना है यहाँ से। ये देखिए इस तरह से इसे बंद कर दिया हमने, और ये जो फ्रेंड्स धागे हैं ये वाले, इसको हमें क्रोशिया की मदद से इस तरफ डाल देना है सबको। क्रीम कलर को क्रीम कलर की तरफ और ऑरेंज को ऑरेंज की तरफ, इस तरह से। ये देखिए
देखिए इसको पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर हमने जॉइंट किया था। किसी तरह से हम क्रीम को इस तरफ डाल देना है। हमें ये दो पैटर्न तैयार कर लेने हैं, एक में 3 डब्बे बनाने हैं, 1, 2, 3, और एक में 5 डब्बे तैयार करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अभी जो धागों की कटिंग की थी हमने, ये देखिए वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। अभी हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए ये वो साइड है जहाँ से हमने धागों को, यहाँ से हमने धागों को काटा था, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर इसको रख के यूँ यहाँ से सिलाई हम इसकी शुरू करेंगे। ये जो क्रीम कलर की लाइन है और ये ऑरेंज कलर की लाइन है, इस दोनों को यहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। ये देखें इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सारा हम सिलेंगे। देखिए इस तरह से ये लाइन से लाइन को मिलाना है। ये ऑरेंज कलर की लाइन है और ये क्रीम कलर की। अभी ये देखें यहाँ से फिर से ये क्रीम कलर की लाइन है और ये हमारे पास ऑरेंज कलर की लाइन है। यूँ लाइन से लाइन को मिलाते हुए हम सिलते जाएंगे। ये देखें यहाँ से पकड़कर हमें इसको इसके साथ ऐसे मिलाना है। अभी ये सिलाई यहाँ से यहाँ तक करनी है। ये देखें इसको हमें इसके साथ सिल देना है। यहां से शुरू करेंगे यहां तक।
ये देखें, अभी हमें इसको इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई करना है। ये देखें एक बार फिर से, ये हमने यहाँ से शुरू किया। अभी ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है, यहाँ से शुरू की थी यहाँ तक। अभी ये देखिए ये जो है ये वाला कोना, इसको हम यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे। ये जो साइड है रेन जी, यहाँ से पाँव अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से इसको इसके साथ मिलाते हुए और यहाँ तक हमें यहाँ तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें यहाँ तक सिलाई करनी है। यहाँ से शुरू किया, यहाँ करते हुए यहाँ तक। ठीक है, ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ से यहाँ तक हमने सिल ली। ये वो हिस्सा है जहाँ से पाँव अंदर की तरफ जाएगा। ये बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर हम कोई भी, आप क्रोशिए से फूल बनाकर भी लगा सकते हो, या फिर इस तरह से कोई बटन को भी यहाँ पर हम इस तरह से लगा देंगे। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।